पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी के संबल में घेर में सो रहे किसान की गला रेत कर हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रथम दृष्टि पूरा मामला रंजिशन बताया जा रहा है। किसान की हत्या का पूरा मामला संबल जिले के घनारी थाना क्षेत्र के ग्राम दिनोरा का है। बताते हैं कि मृतक सोमवीर बीती रात अपनी पत्नी के साथ घर के घेर में सो रहा था। इसी बीच कुछ लोग घर में घुसे और सो रहे सोमवीर की धारदार हथियार से गला रेत कर फरार हो गए। गला रेत कर हत्या करने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार के मुखिया की हत्या से घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। उधर पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया और जांच में जुट गई। पुलिस के अनुसार मामला रंजिशन बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जल्द पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। सीओ अशोक कुमार ने बताया कि परिजनों ने 3 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल रात में सूचना मिली कि धनारी थाना ग्राम दिनोरा में एक हत्या हो गई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर धनारी और मैं स्वयं घटनास्थल पर हम लोग पहुंचे। वहां पर देखा गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम सोमवीर था, पिता का नाम रमेश, जिसके गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद तत्काल बाद लाश का पंचायतनामा भरवा के इसको हॉस्पिटल भेजा गया, ताकि हो सकता है अगर कहीं भी उसकी सांस चल रही हो तो वो बच जाए, लेकिन तब उसकी मौत हो चुकी थी। पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए उसकी लाश चली गई और उसके पिता ही रमेश द्वारा एक तहरीर दी गई। तहरीर में गांव के ही 3 व्यक्तियों को नामित किया गया है। उसके बाद इसी आधार पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसके अलावा पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई कर रही है, ताकि इस हत्याकांड का खुलासा हो सके। अन्य क्या बंदे हो सकते हैं सर? अब उसके ये भी पता किया जाएगा, गांव में और किसी झगड़े थे या घर में अंदरूनी कोई और मामला। ये सारी चीज तहकीकात करने के बाद इसका फैसला बहुत इसका खुलासा 2-3 दिन के अंदर ही कर दिया जाए।